वॉर जोन से रूसी वॉरशिप को हटाने की ये खबर सामने आ रही है। युद्ध क्षेत्र से ये खबर है। एडमिरल कुज़नेत्सोव को मरम्मत के लिए भेजा जा सकता है और दिक्कतों की कुछ दिक्कतें पिछले दिनों सामने आई थी जिसकी वजह से मरम्मत के लिए भेजने की खबर सामने आ रही है। कमांडर सदाना, उसी बात को हम आगे बढ़ाएं, ये सारी चीजें जो दिख रही हैं हमें कि ये वॉर चलती भी रहे और ये खत्म भी ना हो, मदद उतनी ही दी जाए जिससे वो लड़ता तो रहे लेकिन जीते नहीं, लेकिन इस सब के बीच यूरोप का तो सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, यूरोप को आज नहीं तो कल अमेरिका से ये जो सांठ गांठ है, सपोर्ट है, यूरोप को पीछे लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोपीय देशों में आज एनर्जी का संकट है, आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं, तो वो अपना देश पहले संभालेंगे, ना कि यूक्रेन के सपोर्ट देते रहेंगे कि ये ना हो कि कल लड़ाई उनके घर पर पहुंच जाए। रशिया इतना मजबूत है कि पूरे यूरोप को एक साथ झेल सकता है और झेल भी रहा है, कुछ सालों लग जाए तो भी झेलता रहेगा। लेकिन इस बात का डर तो यूरोप को नहीं कि हद से ज्यादा अगर हम यहां बढ़ गए हथियार देने में तो कहीं यूक्रेन बढ़ गया हद से ज्यादा तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यूरोप को अभी अपना हित सोचना पड़ेगा, अमेरिका के साथ शायद कम देना पड़ेगा कि ये जंग ज्यादा देर तक ना चले, ये सपोर्ट उतनी ही दी जाए जितनी आग अपने घर पे ना लग जाए। युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों का अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।